मैंने जो साइफर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा है, सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा साइफर का कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बातें, डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको, इमरान खान को हटाओ। तो पूछा कि नहीं है, क्योंकि उस दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो बैठी थी शहबाज शरीफ के नीचे, उसने भी तायद किया है कि हाँ इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुदाखलत किया है। इसमें इश्यू क्या रह गया? आगे बात अब जब कर रहे हैं कि हमने आगे चलना है, तो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो हमेशा चाहता हूं, क्योंकि जितने हमारे दुनिया में अच्छे ताल्लुकात होंगे और दुश्मनियां कम होंगी, हम तजारत करेंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मकसद तो ये है। तो ये मैं अभी नहीं, 26 साल से यही बात कह रहा हूं। मुझे सिर्फ फिर से अफसोस है कि हमारी सहाफत उधर पहुंच गई है, यानी उस लेवल पे पहुंच गया है कि बाहर के सहाफियों को कहना पड़ा कि हमें गलत तरह पेश किया जा रहा है हमारा इंटरव्यू।